हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस न्यू ट्रेवल व्लॉग में। आज आया हूँ पंजिम के धोनापावला, तो चलिए मस्त एंजॉय कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ से तो दोस्तों मड़गांव से जर्नी शुरू की हुई है और हमें जाना है पंजी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो चलिए दोस्तों गोवा के रास्तों का सुहाना नज़ारा देखते हुए हम चलते हैं आराम से। ये शानदार व्यूज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अच्छा लग रहा है मुझे भी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये सफ़र अच्छा रहेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन मज़ा आने वाला है, आपको देख के बहुत ही अच्छा आनंद आएगा दोस्तों आप लोगों को। और पहली बार ऐसे रास्तों पर गुजरने का अपना अलग ही आनंद होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंजिम जाने के रास्ते पे ये ब्रिज पड़ता है दोस्तों, अभी नया नया, अभी हाल फिलहाल एक महीना ही हुआ है इस ब्रिज का उद्घाटन हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को बनाते हुए भी और इस ब्रिज पर सफ़र करते हुए भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे इस सफ़र में आप लोगों को भी आनंद आएगा दोस्तों। और अब हम धोनापावला चार रास्ता पहुंच चुके हैं दोस्तों। मेन लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं और ये है होटल, और यहां से आगे चलते हैं हम। यहां पे आपका जो मेन अट्रैक्शन है धोनापावला का, वो है बोट राइडिंग दोस्तों। आप यहां से टिकट लेके आप बोट राइडिंग का एंजॉय कर सकते हैं। यहां से व्यूज बहुत अच्छा दिखता है दोस्तों, यहाँ का जो व्यूज़ है वो किसी फॉरेन कंट्री के जैसा लगता है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार व्यूज़ है। और ये देखिए छोटा सा मार्केट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है, बहुत ही छोटा मार्केट है। एक 10 से 15 शॉप्स रहेंगे और डिज़ाइनर कपड़े, गोवा का जो मेन अट्रैक्शन जो कपड़े होते हैं मेंस और लेडीज़ दोनों लोगों का, वो शानदार मिलता है यहाँ पर और इकोनॉमिकल प्राइस में भी आपको मिल जाता है, और फैशन के हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, और यहाँ पे फ़ी का अभी तक हमको नहीं लिया गया है फी, क्योंकि जस्ट ओपन हुआ है एक दो दिन पहले ही। तो अब आप लोग आगे देखिए, वीडियो का एंजॉय कीजिए, आनंद आएगा आप लोगों का। मेन जो व्यू पॉइंट है धोनापावला का, वो ऊपर वहाँ हमको जाना है। तो अभी चलिए आप लोग देखिए।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिए और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए इसी के साथ अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।